गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ेंगे ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर। टू चैप्टर हमने पहले रीड कर लिए थे और हिस्ट्री के थ्री चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। आई थिंक आप सभी ने वो फाइव चैप्टर आपके नोटबुक में नोट कर दिए होंगे। अब हम आज स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर, अवर चेंजिंग अर्थ, हमारे बदलती हुई पृथ्वी। ठीक है, फर्स्ट लेट्स बिगेन विथ एन इंटरेस्टिंग वर्ड सर्च एक्टिविटी। फाइंड द नेम ऑफ 10 लैंड फॉर्म्स हाइडन इन द वर्ल्ड ग्रिड एंड राइट देम हियर। इसमें से आपको 10 वर्ड्स ढूंढ कर और यहाँ पर आपको राइट करने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं हम चैप्टर्स की। यू हैव लर्न द प्रीवियस चैप्टर, द अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म बट द वेरियस फॉर्म लाइक माउंटेन, वैलीज, प्लेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, ओशियंस एक्सेट्रा। यू ऑल्सो लर्न अबाउट द लेयर ऑफ मैटर Inside the earth's surface, present in the solid, semi-solid state, under extreme heat and pressure. You saw this change on earth's surface occur due to external force, example sunlight, wind, water, temperature, variations, etc. And certain external force generated due to movement in the earth's crust and heats and pressures. The external force are called exogenic force, while the internal force are called endogenic force. अब देखो, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने अर्थ के सरफेस के बारे में पढ़ा, जो कि उनकी अलग अलग थी, जैसे कि माउंटेन्स, वैली, प्लेन्स, फिर समतल भाग हो गए, प्लेन्स माउंटेन, वैली घाटियाँ हो गई, प्लेट्यू पठार हो गए, रिवर्स नदी, ओशंस महासागर, ये सभी इन सभी सरफेस के बारे में पढ़ा। उसके साथ साथ ही हमने मेटर्स के लेयर के बारे में पढ़ा, जो कि ठोस रूप में होती है, अर्ध ठोस रूप में भी होती है। ठीक है, जो कि ठोस में बदलना और अर्ध ठोस में बदलना, वो सारे उसके अंदर जो दबाव होता है, उनमें जो हीट गर्माहट होती है, उसके कारण होता है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि अर्थ के सरफेस पे जो चेंजिंग होता है वो सारा एक्सटर्नल फोर्स के कारण होता है, बाहरी दबाव के कारण होता है, जैसे कि सनलाइट का कम ज़्यादा होना, वाइंड हवा का तेज चलना या फिर कम चलना, पानी का तेज बहाव में आना, कम सतह पर रहना, फिर टेम्परेचर बढ़ना, और वहाँ की वनस्पतियों पर निर्भर होता है। और जो इंटरनल फोर्स होता है वो पृथ्वी के मूवमेंट पर होता है, जैसे कि भूकंप वगैरह आना या फिर उसके क्रस्ट पर किसी प्रकार का प्रेशर होना, गर्म उसके अंदर ज़्यादा हीट बढ़ जाना, उसके कारण। अब एक्सटर्नल फोर्स जो होता है उसी को एक्सोजेनिक फोर्स कहा जाता है, और जो इंटरनल फोर्स होता है उसी को इंडोजेनिक फोर्स कहा जाता है। ठीक है, अब हम इस चार्ट की मदद से पढ़ेंगे कि कौन कौन से फोर्स जो होते हैं वो अंदर से होते हैं, तो उनके से क्या मूवमेंट होता है, और बाहरी फोर्स से क्या क्या होता है। अब देखो, ये इंडोजेनिक फोर्स, मतलब कि जो कि आंतरिक दबाव के कारण होता है, तो क्या क्या होता है। देखो, सडन मूवमेंट जो अचानक होते हैं, उससे अर्थक्विक भूकंप आता है, वोल्केनो ज्वालामुखी निकलती है। और स्लो मूवमेंट जो धीरे धीरे आता है, उससे टेक्टोनिक मूवमेंट होता है, मतलब कि उसकी सतह जो होती है वो धीरे धीरे उससे टूटती है। फिर वहीं एक्सोजेनिक फोर्स यानी बाहरी दबाव से क्या होता है, तो इरोजन एंड डिपोजिशन, तो उससे कोई चीज़ का कटाव होना, जमीन का, मिट्टी का कटाव होना या फिर मिट्टी का जम जाना, वो उससे होता है। जैसे कि पानी हुआ कि बहुत सारे तेज़ी से पानी आ रहा है, तो वहाँ से मिट्टी जो है वो दूसरी जगह पर जाके जम जाती है। फिर वैसे लहरों का आना, बर्फ़ गिरना और तेज़ हवा का चलना, है ना, ये सारे बाहरी दबाव में आते हैं। और ये जो इधर अर्थक्वेक, वोल्केनो, टेक्टोनिक मूवमेंट है, वो आंतरिक दबाव के कारण होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना इंडोजेनिक फोर्स, आंतरिक दबाव। द वर्ड इंडोजेनिक मीन्स internal process and phenomena that occur beneath the earth's surface. Sudden movement can cause earthquake and eruptions of volcanoes, while slow movement can cause formations of mountain plateau and valleys. जिसमें endogenic का मतलब कोई process, कोई प्रक्रिया होना या ऐसी घटना घटित होना, जिससे कि
जो पृथ्वी की सतह है वो नीचे की तरफ खिसकती जाए, जैसे कि अगर सडन मूवमेंट होता है तो उससे भूकंप वगैरह आता है या फिर ज्वालामुखी वगैरह पड़ती है, और अगर स्लो मूवमेंट होता है धीरे धीरे आती है तो उससे फिर माउंटेन्स वगैरह बनते हैं, प्लेट्यूज वगैरह, वैली घाटियाँ वगैरह होती है वो बनती है। वी नो दैट द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स विच आर इन कॉन्स्टेंट मोशंस एज इट फ्लोटिंग इन विस्कोस बेड। अब उससे क्या होता है, हम जैसे कि जानते हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी क्रस्ट जो है वो बहुत सारे ऐसे टेक्टोनिक प्लेट्स से बन के बना है जिनकी खिसकने से धीरे धीरे वो कैसे हो जाते हैं, तो वो धंसाऊदार हो जाते हैं, दलदली हो जाते हैं। व्हेन यू प्लेस अ पेपर प्लेट इन अ बेकर हाफ फिल्ड विथ वाटर एंड हीट द बेकर ऑन अ स्टोव, यू विल सी द प्लेट मूविंग अबाउट इन द वाटर एज इट्स हीट्स अप। This indicate that when the water was heated, a current was generated in it which made the plate move. Similarly, the outer core of the earth is in a semi-liquid molten state as heat is generated by the radioactive decay of elements like uranium, thorium or potassium. This heat is transferred upward to warm the mantle, causing it to circulate slowly. This movement then applies force on the crust's tectonic plates above, making them move very slowly but continuously. अब जैसे देखो, आप जैसे ही आप बेकर पर एक पेपर प्लेट रखते हो जो कि आधा पानी से भर देते हो उसको, फिर उसको स्टोव पे रखते हो, तो आप धीरे धीरे देखोगे कि जैसे जैसे पानी गर्म होगा तो प्लेट क्या होगी, नीचे से खिसकती जाएगी। तो वैसे ही क्या होता है, वो प्लेट के धीरे धीरे क्या होती है, एक जगह से दूसरे, मतलब कि हल्की हल्की वो हिलने लगती है और खिसकने लग, एक जगह से दूसरे के ऊपर हल्की हल्की खिसकने लगती है। तो वैसे उसी तरीके से अर्थ पृथ्वी पर जब अंदर गर्माहट बढ़ जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि अंदर जो प्रेशर बढ़ जाता है या दबाव ज़्यादा होता है उसके ऊपर, या फिर तो फिर उसमें क्या होता है कि जो ज़मीन की परत होती है तो वो, मतलब ठोस पार्ट जो होता है वो धीरे धीरे पिघलना लग जाता है, उसके साथ साथ ही वो सारे यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम इन तत्वों के कारण होता है। और यही अगर वो धीरे धीरे गर्म होती है तो क्या होता है कि वो कार्य धीरे धीरे से होता है, धीरे धीरे प्लेट्स वगैरह सिरकती है। अब ये मूवमेंट जो होता है वो इस फोर्स के कारण होता है, जिससे कि ऊपर के हमारे पृथ्वी की जो क्रस्ट है उसकी जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो इधर हिलती है और धीरे धीरे वो खिसकती रहती है। अब ये धीरे धीरे तो होता है लेकिन ये लगातार होता ही रहता है, ठीक है। टेक्टोनिक एक्टिविटी, अब देखो हम देखेंगे कि किस तरीके से वो खिसकती है। द अर्थ क्रस्ट कंप्राइज ऑफ 20 लिथोस्फेयर प्लेट ऑफ वेरिंग साइज एंड शेप। इच लिथोस्फेयर टेक्टोनिक प्लेट इज कंपोज्ड ऑफ अ लेयर ऑफ ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंट क्रस्ट एंड एन आउटर लेयर ऑफ द मेंटल। अब देखो, जैसे ही हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो क्रस्ट है उसमें 20 टाइप्स के लिथोस्फेयर प्लेट्स है। अब वो अलग अलग साइज की और सारे अलग अलग शेप की है। अब हर एक लिथोस्फेयर के अंदर, अब हर एक क्रस्ट के अंदर क्या होता है कि अलग अलग ओशनिक और उसके पास कॉन्टिनेंटल लेयर जो होती है उसके ऊपर स्थित होती है। लिथोस्फेरिक प्लेट्स आर एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 100 किलोमीटर थी। दिस प्लेट कीप शिफ्टिंग एंड स्लाइडिंग एट अ वेरी स्लो स्पीड ऑफ अ फ्यू मिलीमीटर्स इन अ ईयर इन वेरियस डायरेक्शंस। अब देखो, लिथोस्फेयर प्लेट्स जो होती है वो 100 किलोमीटर इतनी क्या होती है, मोटी होती है। उसके कारण वो क्या होती है, धीरे धीरे जो है वो सिरकती रहती है, मतलब कुछ कुछ मिलीमीटर जो है वो हर साल अलग अलग डायरेक्शन में वो खिसकती रहती है। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट इज कॉमनली नाउन एज टेक्टोनिक एक्टिविटी, और इस क्रिया को टेक्टोनिक एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। द मूवमेंट ऑफ दिस टेक्टोनिक प्लेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अब इसका जो मूवमेंट है वो तीन अलग अलग तरीकों से होता है। फर्स्ट है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, द साइड वे मूवमेंट ऑफ टू प्लेट्स अलॉन्ग साइड इच अदर साइड इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। दिस मूवमेंट डज नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय द सर्फेस लैंड फॉर्म। अब देखो, ट्रांसफर बाउंड्री क्या होता है कि इसमें दो प्लेट अगर पास पास है तो अगर कोई एक तरफ जा रही है तो वो दूसरी जो है वो, जैसे कि इसमें बताया गया कि अगर एक सीध इधर, मतलब कि मान लो अपनी तरफ आ रही है तो दूसरी क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी, वो दूसरी साइड में जाएगी। तो इस तरीके से अगर कोई प्लेट सिरकती है तो उससे किसी प्रकार का कोई भी
नुकसान नहीं पहुंच पाता है, सरफेस लैंडफॉर्म वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, क्योंकि जैसे ये इधर खिसक रही है इधर खिसक रही है तो उस वजह से और नीचे से भी दूसरी प्लेट आ जाती है। डाइवर्सनिक बाउंड्रीज व्हेन टू प्लेट्स ड्रिफ्ट अपार्ट दे मे फ्रॉम अ रिफ्ट वैली दिस मोमेंट इज कॉल्ड डाइवर्सनिक बाउंड्री। अब देखो डाइवर्सनिक बाउंड्रीज क्या होती है, तो जैसे कि प्लेट्स है तो एक राइट साइड जा रही है तो दूसरी क्या हो जाएगी लेफ्ट साइड जाएगी, तो उससे क्या होती है घाटियाँ बनती है, मतलब कि ये इधर खिसक सकती है ये इधर खिसक, तो बीच में क्या जाता है फिर घाटी टाइप वो बन जाता है। फिर कन्वर्जेंट बाउंड्रीज जो होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, व्हेन टू प्लेट्स कम टुगेदर वन ऑफ देम स्लाइड अपवर्ड ओवर द अदर दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बाउंड्री। इन दिस मूवमेंट कॉज फॉल्स एंड फॉल्ट ऑन द अर्थ सरफेस द सडन मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेयर प्लेट कॉज द अर्थक्वेक एंड वोल्केनो इरप्शंस। अब देखो जैसे कि दो प्लेट है एक ऊंची है और एक नीची है, तो वहीं दोनों क्या हो रही है अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, तो उसको कन्वर्जेंट बाउंड्रीज कहा जाता है। अब ये सब जो होता है वो और फिर इसी के कारण क्या होता है कि मोड़ वगैरह जो होते हैं ना वो बनते हैं। अब ये मूवमेंट अचानक होता है तो उसके कारण भूकंप वगैरह आना ज्वालामुखी वगैरह बनना ये सारा होता है। अब हमारा टॉपिक आता है अर्थक्वेक। एन अर्थक्वेक इज अ सडन मूवमेंट और ट्रेमर ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच ऑर्गेनिक नेचुरली एट और बिलो एट द सरफेस। द फेनोमेनन इज नेचुरल एंड डज नॉट इंक्लूड शॉक वेव्स कॉज्ड बाय न्यूक्लियर टेस्ट एंड एक्सप्लोजेशन और सम मेजर ड्रिलिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। अब देखिए जो भूकंप जो है वो मतलब कि अचानक होता है और ये सब मतलब भूकंप के झटके वगैरह आना ये सारा उसकी वजह से हो रहा है। जैसे फिर उसके साथ साथ ही जो प्राकृतिक घटनाएं घटित होती है जैसे कि वेव्स वगैरह आना, उसके साथ साथ ही कोई एक्सप्लोजेशन होना, फिर कोई मतलब बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती है तो उसका जो मटेरियल होता है वो एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना, उन सब के कारण होता है। अर्थक्वेक कैन बी कॉज्ड इन टू वेज। अब भूकंप जाता है वो दो तरीके से आ सकती है या फिर दो कारणों से, वन दे वन ओक्यू ड्यू टू वायलेंट वोल्केनो इरप्शंस, एक जो ज्वालामुखी के फटने से, और दिस इज़ वेरी कॉमन इन एरिया ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी टू दे कैन बी ट्राइगर्ड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटी एसोसिएट बाय द प्लेट मार्जिन्स एंड फ्लोर। मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक वर्ल्ड वाइड आर दिस टाइप। अब देखो एक तो होती है जो कि किस कारण से होती है, ज्वालामुखी की होती है, और वो सब वहीं पर होती है जहाँ पर सिर्फ ज्वालामुखी निकलती है या फिर होती है। और फिर सेकेंड होती है जो कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है उनके सिरकने से होती है, और ज़्यादा अगर जो भूकंप आता है दुनिया में वो इन टेक्टोनिक प्लेट्स होती है उनके सिरकने के कारण ही आता है। एन अर्थक्वेक कैन बी कंपेयर्ड टू द इफेक्ट प्रोडक्ट when a stone is thrown into water and it create a series of concentrating waves moving outward from the center where it hits the water. Similarly, when there is a sudden movement within the crust or outer mantle, concentrating shock waves move out from the point. अब देखो अर्थक्वेक को हम उस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं जब हम पानी में क्या करते हैं कोई पत्थर फेंकते हैं, और जैसे ही हम वो पत्थर पानी में फेंकते हैं तो हम देखते हैं जहाँ पर पत्थर पानी फेंका वो तो नीचे की तरफ जाता है, लेकिन साइड साइड से क्या होता है फिर वो पानी जो होता है वो ऊपर उड़ता है। तो उसी तरीके से भूकंप भी होता है, भूकंप भी उसी तरीके से होता है कि जहाँ पर हीट ज़्यादा होती है या फिर वो मेल्ट होता है आउटर मेंटल क्रस्ट जो है वो अचानक उसके मूवमेंट से, तो बीच वाली जमीन जो है वो नीचे तक जाती है और पास वाली भी हिलने लग जाती है। द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड द फोकस ऑफ हाइपोसेंटर सिंस दिस पॉइंट इज ऑफ्टन क्वाइट डीप बिलो द सरफेस एंड डिफिकल्ट टू मैप। द लोकेशन ऑफ द अर्थक्वेक यूजुअली रिफर्ड टू एज द पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस। अब भूकंप का जो पॉइंट बनता है उसको हाइपोसेंटर कहा जाता है। अब ये पॉइंट जो होता है ये बहुत गहरा होता है और इसको मैप में बताना या इसकी लोकेशन बताना बहुत ही कठिन होती है, और ये उसी पॉइंट से निकलता है जहाँ से ये अर्थ जो होती है वहाँ पर फोकस जो मतलब पॉइंट जो होता है वो फोकस होता है वहीं से अर्थ भी आता है। फिर दिस पॉइंट इज कॉल्ड एपी सेंटर, और उस पॉइंट को क्या कहा जाता है एपी सेंटर कहा जाता है। द
The magnitude or strength of the shock waves determine the extent of the damage caused. Obviously, damage will be more in areas closer to epicenter than those further away from it. और उसके कारण क्या होता है, पृथ्वी पर जो डैमेज वगैरह होता है वो होता है. और फिर ये तो ठीक है, डैमेज हो गई हो, जहाँ पर एपिसेंटर के जो आसपास का एरिया होता है वहाँ पर ज़्यादा डैमेज होता है जो, और जो दूर होता है वहाँ पर कम होता है. द स्ट्रेंथ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज नॉर्मली मेजर ऑफ द रिचर स्केल. और इसका जो नाप होता है, मतलब इसकी पावर और इसकी गति जो है वो रिचर स्केल से मापी जाती है. विच वेरियस फ्रॉम 1 to 10, जो कि 1 से 10 के बीच में होती है. विथ ईच सक्सेंडिंग नंबर इंडिकेटिंग अ टेन फोल्ड इंक्रीजिंग अ मैग्नीट्यूड हैंज द एन अर्थ मेजरिंग 7 ऑन द रिचर स्केल विल बी 10 टाइम स्ट्रोंगर देन द 1 मेजरिंग 6. अब उनका जो पावर होता है वो हर एक नंबर जो होता है, जैसे कि 7 जो है वो 6 से 10 गुना ज़्यादा, मतलब हर एक नंबर जो है वो उससे 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है. तो जैसे कि अगर मान लो कि यहाँ भूकंप मापा गया जो कि रिचर स्केल से मापा गया, और वो उसका माप क्या आया, 7 आया, तो वो 6 से 10 टाइम स्ट्रोंगर है. When an earthquake occurs with its epicenter on the ocean floor, it triggers hug oceanic waves called tsunami that can be a high as 30-40 meters when they strike coastal area. अब देखो पृथ्वी, मतलब कि भूकंप अगर एपिसेंटर में होता है और वो मान लो कि ओशन फ्लोर पे हो, तब क्या होता है कि वहाँ पर सुनामी आती है जो कि 30 से 40 मीटर क्या होती है, कोस्टल एरिया से ऊँची होती है.